सारा का मेला चल रहा है, इसकी वजह से 3 दिन का छुट्टी हो गया। तो अपने बाइक को धुल लिया, देखिए एकदम चमक रहा है। इतना गर्दा अभी से भट गया, अगर इसे साफ नहीं किया जाए ना तो व्हाइट चीज पे अगर कुछ लगता है तो बेकार लगता है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग, स्वागत है आज के समय नए ब्लॉग में। गाइस, आज हमारे स्कूल का पूरे 3 दिन का छुट्टी हो गया है, क्योंकि गाइस दशहरा का मेला चल रहा है, इसकी वजह से 3 दिन का छुट्टी हो गया। इतना अच्छा नाम है छुट्टी, छुट्टी जिसने भी रखा होगा नाम बहुत सोच समझ के रखा होगा, इतना अच्छा नाम है छुट्टी। गाइस चलो अपनी बाइक को धुलने, क्योंकि मेरी बाइक थोड़ी गंदी हो गई है, तो चलिए उसे धुलते हैं। मोटर ऑन कर दिए हैं, तो चलिए अपनी बाइक को धुल रहे हैं। तो फाइनल गाइस हम अपने बाइक को धुल लिए हैं, देखिए एकदम चमक रहा है, जिससे लग रहा है तो हम अभी शोरूम से आया हुआ है। और पीछे लोगों को देखिए एकदम खेल रहे हैं सब गोली। हम अपने बाइक को धुल करके आ गए हैं, अब चल रहे हैं इस पंखे को क्लीन करने, अब पंखे को चल रहे हैं साफ करने के लिए। तो चलिए पंखे को साफ कर लेते हैं, बहुत गर्दा भट गया इस पर। पंखा ऐसा चीज़ है ना, समय से इसको साफ नहीं किया जाए ना तो चलते चलते इस पर इतना धूल जमा हो जाता है, अगर बाद में इसे पोछते हैं तो छूटता नहीं है। इसकी वजह से हम महीने महीने में एक बार इसे हम क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए ये पंखा क्लीन हो गया है, देखिए कितना साफ हो गया है। अब चलिए अब चलते हैं दूसरे पंखे को साफ करते हैं। अब हम आ गए हैं दूसरे वाले पंखे को क्लीन करने के लिए, देखिए ये थोड़ा सरक गया है, इसको भी हम ऊपर करेंगे। देख रहे हैं अभी लगभग 8 महीना हुआ है वायरिंग किए हुए, इतना गर्दा अभी से भट गया है पहले इस पर, और जो जितना वायरिंग हुआ ना मेरे घर का सब हम ही किए हैं। देखिए ये भी पंखा क्लीन हो गया है, अभी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये भी साफ हो गया है, ये लाइट हम लगाए हुए हैं रेड कलर का, ब्लू कलर का, पिंक, ग्रीन। पंखा का को क्लीन कर लिया है यानी साफ कर लिया है, अभी ये जो बोर्ड देख रहे हैं इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि इस बटन को ऑन ऑफ करते समय ना इस पर भी कचरा उचरा लग जाता है तो ख़राब दिखता है, क्योंकि ये वाइट है ना, वाइट चीज़ पे अगर कुछ लगता है तो बेकार लगता है। इसको इसको भी क्लीन कर लेते हैं, देखिए इसको क्लीन कर लिया है ना, कितना अच्छा चमक रहा है। इसको भी देखिए, इसको भी देखिए। चलिए अब दूसरे बोर्ड को साफ करते हैं हम, देखिए कि यहाँ पे बोर्ड है, इसको भी हम साफ कर लेते हैं। देखिए हमारे घर में एक रूम में लगभग 3 बोर्ड है, तो सबको साफ करना पड़ेगा ना। देखिए सब पे थोड़ा आ गया, देखिए ये भी थोड़ा साफ हो गया है। अब देखिए एक बोर्ड और आपको दिखाते हैं, इसके ही पीछे देखिए एक बोर्ड यहाँ पे है, इसको भी साफ कर लेते हैं थोड़ा, देखिए। और इसके पीछे भी है, इस वाले रूम में फिर एक और बोर्ड है, देखिए इस थोड़ा, देखिए इसमें कचरा लगा है ना, देखिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कचरा लगा, इसको भी साफ कर लेते हैं। तो पूरा काम कर चुके हैं, जो जो बोर्ड साफ करना था बोर्ड को साफ कर दिए हैं, पंखा को क्लीन कर ही दिए हैं। अब चलिए नहा धोकर चलते हैं जुमे की नमाज पढ़ने के लिए। शुक्रवार को गाइस यानी जुमे के दिन ना घर का सर सफाई होता है, तो इसकी वजह से हम सोचे हैं छुट्टी है आज, तो चलिए हम साफ सफाई हम भी थोड़ा कर देते हैं जो मेरे लायक है। पंखा साफ कर दिए हैं और जो बोर्ड साफ करना था बोर्ड साफ कर दिए हैं। तो चलिए चलते हैं हम नहाने के लिए, क्योंकि लेट हो गया है, बहुत दिक्कत हो जाएगा, अभी हम पहुँचना आधा घंटा पहले, अजान होने वाला है, तो चलिए जल्दी जल्दी नहाते हैं। नहा करके रेडी हो गए हैं, अब चल रहे हैं जुमे की नमाज पढ़ने के लिए। फ़ोन चार्ज में लगा कर जाएंगे, क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ा चार्ज नहीं है, 7% चार्ज है, तो चलिए फ़ोन को रख करके चलते हैं जुमे की नमाज पढ़ने। A few moments later, जुमे की नमाज पढ़ के आ गए हैं, अब चल रहे हैं खाना वाना खाने, ये ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है 1 घंटे के बाद, तो चलिए अब खाना पीना करते हैं, उसके बाद फिर जो होगा आपको दिखाएंगे। फाइनली मेरा खाना आ गया, तो चलिए खाते हैं इसको। तो खाना वाना खाकर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जैसे देख सकते हैं नेट इतना स्लो चल रहा है कि अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो चल रहे हैं गांव के बाहर, वहां पे थोड़ा नेटवर्क तेज चलेगा, तो चलिए चलते हैं। देखिए कितना धीरे वीडियो अपलोड हो रहा है, पहले देखिए कितना केबी का चल रहा है, 210 KB चल रहा है। घर पर तो नेट स्लो चल रहा था, तो फिर हम गाँव के बाहर आ गए, लेकिन गाँव के बाहर भी नेट नहीं चल रहा है। देखिए एकदम टावर के पास आकर बैठे हुए हैं, दो टावर, एयरटेल जियो का टावर है, फिर भी यहाँ पर देखिए इतना स्लो हो रहा है पहले अपलोड। गाँव देहात में कभी कभी इतना दिक्कत हो जाता है, इतना स्लो नेटवर्क चलता है, और नेटवर्क स्लो चलने के बावजूद भी यार 2.5 GB मेरा ख़त्म हो जाता है। अब बताइए पता नहीं कैसे नेटवर्क भी स्लो चलता है फिर भी मेरा 2.5 GB ख़त्म हो जाता है, लगता है मेरा डाटा एयरटेल वाले चुराते हैं सबका, पता नहीं कैसे ख़त्म हो जाता है। देखिए 200 KB 500 KB तक चल रहा है, MB में भी नहीं चल रहा है ये। शाम का टाइम, अब हम लोग चल रहे हैं पानी पूरी खाने टगरीपुर चौराहे पे, अभी मज़ा आएगा, शाम के टाइम ठंडा ठंडा मौसम है, देखिए कितना प्यारा मौसम लग रहा है, चारों तरफ पानी पानी, दोनों तरफ पानी है। सब शाम हो गई, हम बाहर बैठे हुए हैं, घर का पूरा लाइट जला कर देखिए, पूरा बाहर का लाइट है, मेरे इलेक्ट्रीशियन है हम ही काम किए हैं ये सब, देखिए अभी मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ।
तो गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं तक। हमारा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारी इस ब्लॉग को जरूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।